स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की तरफ से काफी सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, इन सारी के सारी चीजों को तो कमा लिया है। अब आपके मन में सवाल आता रहे कि क्या ये सर्टिफिकेट यूजफुल है तो मैं इस सर्टिफिकेट को कैसे यूज कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि अगर मैं इस सर्टिफिकेट को आर्मी भर्ती में अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर मैं गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम्स, किसी भी ओपन जॉब्स के लिए अगर मैं इनको यूज करना चाहता हूँ तो क्या ये सर्टिफिकेट यूजफुल बनने वाले हैं। अगर मैं किसी भी कॉलेज एडमिशन में एज एन स्पोर्ट्स कोटा करके मैं अगर इन चीज़ों को यूज करना चाहता हूँ तो क्या ये चीज़ें वैलिड बनने वाली है। ऐसे बहुत सारे आप सभी के सवाल थे तो उन सारे के सारे सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ, विथ प्रूफ आप सभी को सारी की सारी चीजें समझाने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपसे कैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर लॉग इन कर सकते हो, कैसे आप इन गेम्स में अप्लाई कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिटेल समझेंगे। SGFI के ऊपर से ये कंप्लीट वीडियो बनने वाला है जहां पर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लॉग इन प्रोसीजर से लेकर कैसे आप इवेंट्स में अप्लाई कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म को क्या गवर्नमेंट ने एफिलिएट कर दिया है, ऐसे बहुत सारे सवालों का हम डिटेल आज के वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल इस चैनल के ऊपर रोजाना अपलोड की जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता रहेगा कि SGFI को बीच में बैन कर दिया गया था, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने SGFI को कम्प्लीटली शट कर दिया था। अब ये क्यों हुआ था, इसके ऊपर मैं आपसे को छोटा सा डिटेल बता देता हूँ। एक फीमेल पार्टिसिपेंट थी जो अपने ग्रुप के साथ कोई तो एक इवेंट के लिए गई थी, जहां पर उनके साथ एक हादसा हो गया था, जहां पर बताया गया कि SGFI की नेग्लिजेंस की वजह से, जहां पर SGFI ने बच्चों की सिक्योरिटी नहीं की, जिसकी वजह से SGFI के ऊपर एक बहुत बड़ा चार्जेस लगा था। कि ऑब्वियस ही बात है यार, एक बच्ची की वहां पर जान, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्ट्रिक्ट बैन को लगा दिया था, जहां पर और भी बहुत सारे घोटाले पता चले थे कि जहां पर जो भी हायर सिक्योरिटी से या फिर जो भी इनके चीफ है वो पैसे लेकर के बच्चों को यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे थे। तो इन चीजों के वजह से इन सारी की सारी चीजों पे बैन लग गया था, गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन लगा दिया था, जो भी इनके सर्टिफिकेट थे सारे के सारे सर्टिफिकेट को बैन लग गया था, सर्टिफिकेट के ऑथराइजेशन से लेकर के सर्टिफिकेट का यूज सब कुछ बंद कर दिया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो बहुत सारे लोगों को पता चली थी, जिसकी वजह से उनके मन में ये सवाल आया था कि भाई जो भी सर्टिफिकेट हमने करके रखा है क्या वो सर्टिफिकेट यूज में आने वाले हैं। तो जी हाँ, अभी से लेकर के सारे सर्टिफिकेट वैलिड बनने वाले हैं। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से इस आर्टिकल को जारी किया गया था, जहां पर बता दिया कि टोटल 3 जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस थी उन सारे के सारे फेडरेशन को दोबारा से रिकॉग्निशन, मतलब उन नेशनल फेडरेशंस को दोबारा से उनकी मान्यता मिल चुकी है। यहां पर टोटल 3 नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके ऊपर बैन लगाया गया था, तो उनके बारे में यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। देयर इज अ गुड न्यूज फॉर 3 नेशनल फेडरेशंस, इंडियन गोल्फ यूनियन, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया आर कोर्स टू रीगेन द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिकॉग्निशन। मतलब क्या, ये जो 3 फाउंडेशन थे जिनके ऊपर छोटी मोटी कहीं पर एलिगेशन लगी थी, तो उन सारी की सारी एलिगेशन को अब हटाया जाने वाला है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता जो आप में से काफी सारे लोगों का सवाल था कि क्या SGFI के ऊपर से जो बैन है वो हट चुका है। जी हाँ, SGFI के ऊपर से जो बैन है वो कम्प्लीटली हट चुका है, उसके बारे में यहाँ पर आप सभी को कम्प्लीट डिटेल मिल जाएगा, जहाँ पर आप सभी को बता दिया है कि जून 16 जो पिछले टाइम गया, उस दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सारे के सारे फेडरेशन को अप्रूवल दे दिया गया है, जहाँ पर RFP इलेक्शंस को हेल्ड किए जाएंगे। मतलब क्या कि SGFI की जो भी टॉप काउंसिल्स थी उन कम्प्लीट काउंसिल्स को अब निकाल दिया जाने वाला है, उनकी जगहों पर नए काउंसिल होल्डर्स या फिर नए चीफ या फिर नए कोचेज को अब हायर किया जाएगा, समझ गए। तो मतलब जो भी स्टाफ था, जो भी SGFI को मैनेज कर रहा था, पूरे के पूरे स्टाफ को ही निकाल दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है जो हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया SGFI को, कि अगर आपको आपकी फाउंडेशन कंटिन्यू रखनी है तो आपको ये 2-3 शर्तों को मान्यता देनी पड़ेगी। तो उनका जो भी फाउंडेशन था, जो भी HRs थे, जो भी हायर अथॉरिटी के जितने भी लोग थे, सभी को अब रिमूव कर दिया गया है, उनके ऊपर से दोबारा सब इलेक्शंस रखे जाएंगे। तो उनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल किसी और वीडियो में समझा दूंगा, मगर अब जो भी हायर अथॉरिटीज थी, जो भी स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो भी हायर मेंबर्स थे,
कंप्लीट बोर्ड को अब हटा दिया गया है, उनका री इलेक्शन होने वाला जो दिसंबर के महीनों में होगा, तो उसके बाद जो SGFI है दोबारा से फाउंडेशन दोबारा से पावर में आने वाला है। यहाँ पर आपसे जो SGFI के मैटर के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सारी की सारी चीजों को खुद से पढ़ लो, इन पूरे के पूरे डिटेल्स को मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है, तभी मैं आप सभी को सारी की सारी चीजें और एक आर्टिकल्स में आप सभी को बता देता हूँ, जहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट किया है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया SGFI को कि भाई आप जल्द से जल्द अपने इलेक्शंस को होल्ड करो, जल्द से जल्द अपने जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उन सारी की सारी चीजों को आप बोर्ड पे लेके आओ। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ उन्होंने सारी की सारी चीजों को SGFI को बता दिया, तो यहाँ पर भी आप कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं। आप लोग पहले खुद आश्वासित हो जाओ कि भाई SGFI अब पावर में आने वाला है, तो अब दोबारा से सारी की सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहेगा कि जो भी सर्टिफिकेट हमने पहले कमाए उन सर्टिफिकेट का क्या होने वाला है। देखो, आप जहाँ पर भी अप्लाई करने की कोशिश करना चाहते हो वहाँ पर आप लोग अप्लाई करो, अगर वो चीज़ें वैलिड बनती हैं तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं वैलिड बनती है तो आपको आपके सर्टिफिकेट को रिमूव करना पड़ेगा। आप जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हो एक बार वहाँ पर आप कॉल करके पूछ लो कि सर मेरे पास ये डेट का SGFI का ये सर्टिफिकेट है, तो क्या ये सर्टिफिकेट यूज़ में आने वाला है। उनके बारे में आप सारी की सारी चीज़ें उनके साथ प्लीज़ कन्वे करके फिर ही आप जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हो उन फॉर्म्स को आप लोग फिल करना। तो ये है हमारा चैनल पेज, यहाँ पर आने का आप सभी को प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आप सभी को दुनिया भर के बहुत सारे सर्टिफिकेशन, बहुत सारे इंटर्नशिप, बहुत सारे स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल का प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को जरूर चेक कर लेना, आप लोग को मोबाइल में भी सारी की सारी चीजें दिख जाएगी, जहां पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन क्विज कॉन्टेस्ट एग्जाम रिलेटेड, बहुत सारे MR पॉइंट्स रिलेटेड काफी सारी चीजें आप लोग को वहां से समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो जरा भी पसंद आता है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल इस चैनल के ऊपर रोजाना अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।